कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि मैंने एक ऐसी कवित्री को पूरे जीवन देखा जिन्होंने प्यार भी किया और प्यार को जिया भी। जिस शालीनता के साथ उन्होंने प्यार किया उस संजीदगी से उन्होंने उस प्यार को जिया। और प्यार पर बात करने का अधिकार उसे ही होता है जो अपने जीवन में प्यार करे भी और प्यार को जिए भी। मैं प्यार को जीने वाली, प्यार को करने वाली, प्यार सिखाने वाली, प्रेम सद्भाव स्नेह आशीर्वाद की वर्षा करने वाली एक ऐसी बाविकार कवित्री को, ऐसे एक बाविकार बड़ी बहन को आवाज़ दे रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी अगवानी करने के लिए, तो मैं एक बहुत बड़े शायर की चार पंक्तियाँ उधार ले रहा हूँ। जान इसार अख्तर, जावेद अख्तर के पिताश्री, उन्होंने कहीं पर लिखा था, मैं गीत की गंगा को, गजल की जमुना को आपके बीच आवाज दे रहा हूँ। उन्होंने कहीं पर लिखा था कि उजड़ी उजड़ी सी हरे कास लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। उजली उजली सी हरे खास उजड़ी उजड़ी सी हरे आस लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, बेटे अब थोड़ा सा संजीदा हो जाओ क्योंकि अब मैं जिन्हें बुला रहा हूँ आपसे बड़े उनके बच्चे हैं और थोड़ा सा आपका ध्यान भी चाहूँगा, आपको समझ में भी आएगा और अगर आप समझ में आ गया तो आपका जीवन भी बन जाएगा। जरा उनके लिए वातावरण बनाइएगा कि उजड़ी उजड़ी सी हरे कास लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तुझको देखूँ तो मुझे प्यास लगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, गीत की गंगा को आवाज दे रहा हूं आदरणीय अंजुम रहवर। सुनाऊं नई गजल, कैसे इजाजत देते हैं? सुन ले आप सब भी। मुझे अपनी जिंदगी का तुम्हें हाल है सुनाना, मुझे अपनी जिंदगी का, मुझे अपनी जिंदगी का तुम्हें हाल है सुनाना। इसे तुम गजल न समझो, ये गजल है एक बहाना। इसे तुम गजल न समझो। यकीन मानो तराना वालों, तुमने वो सुन लिया है, मैं सुनाती नहीं हूँ। सही बात है। इसे तुम गजल न समझो, माइक बहुत अच्छा है, खूब तरक्कियां करें आप। ये गजल है एक बहाना। शायर हजरत बैठे हैं, सानी मतला दूसरा मतला स्वागत। नए मौसमों में भी है वही जायका पुराना, नए मौसमों में भी है वही जायका पुराना। कभी बारिशों में जलना, कभी धूप में नहाना, कभी बारिशों में जलना, कभी धूप में नहाना। सारी जिंदगी खुदा से यही दुआ मांगी, तुझे ढूंढने की खातिर मैं चली हूँ अपने घर से, तुझे ढूंढने के खातिर, तुझे ढूंढने की खातिर मैं चली हूँ अपने घर से। मेरे सायादार बादल मुझे धूप से बचाना, मेरे सायादार बादल तुझे ढूंढने चली हूँ, तुझे ढूंढने की खातिर मैं चली हूँ अपने घर से। मेरे सायादार बादल मुझे धूप से बचाना। और गजल का आखिरी शेर, मंच पे जितने मेरे अग्रज बैठे हैं, अनुज बैठे हैं, वैसे ज्यादा अनुज ही हैं, सभी अनुज। अब सुनना। मेरी कश्तियां बहाकर सर उठाने वाले दरिया, मेरी कश्तियां बहाकर सर उठाने वाले दरिया। कभी फुर्सतें मिले तो मेरा सरफ़ आज़माना,
कभी फुर्सतें मिले तो मेरा ज़र्फ़ आज़माना, मेरी शायरी है मंजुम मेरे जख्म दिल में शामिल, मेरी शायरी है अंजुम मेरे खून दिल में शामिल, मेरी याद जब भी आए मेरे शेर गुनगुनाना, मेरी याद जब भी आए मेरे शेर गुनगुनाना, इसे तुम गजल न समझो ये गजल है एक बहाना। भाई एक बदनाम शुदा गीत, अब वो क्यों सुन रहे हो मुझसे, सुन लीजिए। प्रीतिको के माध्यम से बहुत कुछ लिखा और जिंदगी में जिया भी मैंने, तो गीत लिख दिया। शशि जी भाई क्या है? कुछ नहीं, हाँ मैंने कोई चिट्ठी विट्टी, अब तो उम्र भी नहीं रही, कोई चिट्ठी लिखे मुझे नहीं नहीं क्या सुना दूं कि अब मैं सो जाऊं तो वो दरवाजा सो जाऊं तो वो दरवाजा। अब लगना चाहिए कि सब मस्ती के मूड में, लेकिन तहजीब के दायरे में। सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, क्या होगा बेटे? सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू। अंजुम की जिंदगी के तरह तरह के रंग हैं आज तो दीदी, सो जाऊं तो वो दरवाजा। आज तो नवमी का मजा आ जाएगा। हाँ कल है ना, तो आज ही हो गई, जिनकी बंद हो गई। सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, गाओ सब। आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता। मतलब कितने शरीफ लोग हैं, ऐसे गा रहे हैं जैसे मैं संतोषी माता की कथा सुना रही हूँ। सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। अब देखो अलग अलग चित्रण है, चित्र बनाए, मंजर कशी की है। बाल बिखेरे आंख चढ़ाए जैसे कोई हवा, बाल बिखेरे आंख चढ़ाए जैसे कोई हवा, हाथ में एक रबड़ी का कुल्हड़ जेब में देसी पौआ, हाथ में एक रबड़ी का कुल्हड़ जेब में देसी पौआ, आ चुन्नु मुन्नु लल्लू कल्लू सबको जगाता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। और क्या था के नहीं नहीं, बाल बिखेरे आंख चढ़ाए जैसे कोई हवा, नहीं, सत्यानाश किया है इसने इस जीवन का ढर्रा, सुनो, सत्यानाश किया है इसने इस जीवन का ढर्रा, गर्दन तक वो पी लेता है विस्की हो या ठर्रा, गर्दन तक वो पी लेता है विस्की हो। अब ये जितने भी खामोश है ना, बस इजाजत मांग रहे हैं कल के बाद। गर्दन तक वो पी लेता है विस्की हो या ठर्रा। अब सुनो, अब फुटपाथों के सड़े समोसे शौक से खाता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। अब एक बंद सुनाती हूँ, क्या बात है दीदी, तराना मैं पढ़ रही हूँ इसलिए पढ़ती हूँ, शायरी देखिएगा। याद आता है देख के उसको देवदास का सीन, मैंने अपने माइकल के लिए लिख दी है। याद आता है देख के उसको देवदास का सीन, फिल्मों का वो रसिया है और गजलों का शौकीन, अक्सर मूड में मीर की गजलें गुनगुनाता है,
आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। और मेरी पीड़ा क्या थी, मेरा दर्द क्या था, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये अंजुम क्या पढ़ने लग गई, क्या लिख दिया। अब सुनिए, पीने क्या नहीं, ये बाद में आता, मैं ये क्यों याद दिला रहा हूं, पीने वाली की सुनो तो। हाँ, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। सुने, चाल है उसकी जैसे कोई सर पे धरती रख ले। सोचें, चाल है उसकी जैसे कोई सर पे धरती रख ले, अपने ही कंधों पे जैसे अपनी अर्थी रख ले, अपने ही कंधों पे जैसे अपनी अर्थी रख ले। घर में वो आता है एक भूचाल आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता। और आखिर बंद, फिर इजाजत, अगर यहाँ कोई माइकल भाई साहब बैठे हों तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगी। स्वागत, स्वागत। पीने वालों की टोली में एक था चला गया, पीने वालों की टोली में हर गीदड़ है शेरू। पीने वालों की टोली में हर गीदड़ है शेरू, मेरा सीधा सादा माइकल बन जाता है भैरू, मेरा सीधा सादा माइकल बन जाता है भैरू। अब प्यार जताने वाला मुझको आंख दिखाता है। अब सब गा दो, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है, सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।